नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में मैं अपने स्क्रीन पर बना हुई जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट एक रिंच है। इस कंपोनेंट को आपने इससे पहले भी मेरे साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया। इसे आपने एनएक्स पर, इन्वेंटर पर, KTRV 5 और क्रियो पैरामेट्रिक पर बनाया। तो आज चलिए हम इसे बनाते हैं ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 3D पर। तो चलिए हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल को क्लोज करने के बाद यहाँ से एक नई फाइल ओपन होगी। देखिए, ये स्क्रीन वो स्क्रीन है दोस्तों जो हम ऑटोकैड के आइकन पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आती है। यहाँ से देखिए, ये टेम्पलेट्स के बगल में यहाँ पे जो ये एरो नज़र आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन नीचे आता है। यहाँ से हमें ए कैड 3D.DWT पर क्लिक करना है, तभी यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक करता हूँ तो एक 3D की फाइल ओपन होगी। ये देखिए, ये 3D की फाइल ओपन हो गई। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें जो आप मैं अपने अलग अलग मैंने वीडियोस में कई बार ये बात बताई है कि जो ऊपर आपको रिबन पैनल में कमांड्स दिखाई दे रही हैं, ये हमें यहाँ से मिलती हैं 3D मॉडलिंग से। ये सेटिंग्स का, जैसे इसको हम वर्क स्पेस स्विचिंग कहते हैं, सेटिंग जैसा आइकन है। 3D मॉडलिंग पर जब हम ये चेक मार्क करेंगे तो हमें ये कमांड्स मिलेंगी। जनरली ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन पर रहता है और हमें 2D की कमांड्स ही नज़र आती हैं। तो 3D मॉडलिंग पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये कमांड्स नज़र आएंगी, और जब हमें 3D पर काम करना है तो ये चेंज करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। यहाँ से अब हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैंने अनसेव्ड व्यू पर क्लिक किया, इसके बाद टॉप पर क्लिक किया, इसके बाद ये मैं कर्सर को लेकर जाता हूँ व्यू क्यूब पर, और यहाँ से पैरेलल का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ये राइट क्लिक करने पर यहाँ से पैरेलल का ऑप्शन आता है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक लाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन किया, टाइप किया 100 और एंटर प्रेस किया। दोबारा एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकला। जूम इन करने पर, जूम आउट करने पर सॉरी, ये ऐसे नज़र आती है लाइन हमें। इसे कर्सर सॉरी UCS को सेलेक्ट किया, ऑर्थो मोड को ऑफ किया और यहाँ से उठा के इसे यहाँ साइड में रख देते हैं। अब हमें दोस्तों एक एलिप्स बनाना है, तो यहाँ से मैंने ये ऑप्शन लिया एलिप्स में जाकर, सेंटर वाला। अच्छा, तो यहाँ ये एंड पॉइंट पर क्लिक किया, सेंटर हो गया ये। और फिर से मुझे ऑर्थो मोड ऑन करना है। इस डायरेक्शन में जो रेडियस की वैल्यू है वो है 26 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो है 28.5 और एंटर प्रेस किया। ये एलिप्स है जो हमें चाहिए। अब हम यहाँ से EX टाइप करके एंटर को दो बार प्रेस करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे इस एंड तक। एक्सटेंशन के बाद हम फिर से एस्केप दबाएंगे, इसके बाद O टाइप करके एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस ही मैसेज आता है, टाइप करेंगे 13 और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इस लाइन पर एक क्लिक करेंगे और कर्सर को ऊपर ले जाकर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो 13 mm के डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली नीचे की तरफ भी हम एक लाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलते हैं, दोबारा लाइन पर जाएंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हैं जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे लाइन कमांड की मदद से। एस्केप दबाकर फिर कमांड से बाहर निकले। फिर से ऑफसेट यूज़ करना है तो मैंने ओ टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। इसके बाद हमें जो डिस्टेंस की वैल्यू लेनी है वो है 19 टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस लाइन पर क्लिक किया, राइट हैंड पे कहीं पर भी आकर क्लिक कर देंगे और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आएंगे। तो ये लाइन 19 mm की ये क्रिएट हो गई। इसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ से एक आर्क बनानी है, तो आर्क सेलेक्ट करते हैं यहाँ ऊपर से और ये ऑप्शन लेंगे स्टार्ट एंड रेडियस। इस पर क्लिक करने के बाद ये है स्टार्ट, ये है एंड, और देखिए कर्सर को इस तरह से लेकर आ रहे हैं तो ये हमें एक रेडियस बनी हुई नज़र आ रही है, एक आर्क बनी हुई नज़र आ रही है। यहाँ से एक बॉक्स भी हाईलाइट हो रहा है, इस बॉक्स में वैल्यू देंगे 16 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें, ये लाइन को हमने सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। ये प्रोफाइल हमें कौन सी चाहिए, इसके लिए हमें ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। TR टाइप करके मैंने एंटर को दो बार प्रेस किया, ये
तीनों ही ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर दिया यहाँ, ये ट्रिम कर दिया, इधर से इन तीनों को भी ट्रिम करेंगे, ये भी ट्रिम हो जाएगा। हमें इस प्रोफाइल की ज़रूरत थी, कमांड से बाहर निकला है, ये बची हुई लाइन को सेलेक्ट किया, ई टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया तो इरेज हो गई। तो दोस्तों ये प्रोफाइल हमें चाहिए था। यहाँ से अब हम लाइन कमांड लेंगे, ये सेंटर मिला, सेंटर से फिर हम जाएंगे यहाँ पर 100 mm। अब मिरर करते हैं इस प्रोफाइल को, तो मिरर करने के लिए मैंने MI टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, देखिए सेलेक्ट किया, इसे एंटर प्रेस किया। ये इंश्योर कीजिए कि ऑर्थो मोड आपका ऑन होना चाहिए। अब हम एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर करेंगे, एक क्लिक ऊपर ले जाकर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ से मैंने ये ऑब्जेक्ट देखिए मिरर हो गया। मिरर करने के बाद हमें इसे स्केल करना है, SC टाइप करके एंटर प्रेस किया। स्केल करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं स्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ से इस वाले एंड पॉइंट, ये जो क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है, इससे इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, कितना 26, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो एंड पॉइंट है इस लाइन का, ये सेंटर होगा हमारे लिए। अब SC टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देखिए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये एंड पॉइंट हो गया, बेस पॉइंट। इसके बाद हम वैल्यूज देंगे स्केल फैक्टर की, वो होगी 0.8, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो ओवरऑल इसमें जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 20% साइज इसका रिड्यूस हो गया। अब इसके आगे हम रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के लिए RO टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। इसके बाद फिर इसी, ये जो बेस पॉइंट है यही होगा, इस पर क्लिक किया। अब वैल्यू दी यहाँ से हमने 16, और एंटर प्रेस किया, देखिए 16 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट टिल्ट हो गया। यहाँ से इरेज, लाइन को इरेज कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को भी रोटेट करेंगे, RO टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ये देखिए ये हो गया बेस पॉइंट, वैल्यू दी 16, और एंटर प्रेस कर दिया, ये भी टिल्ट हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें, ये जो लाइन बनी हुई है इसे एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने EX टाइप करके एंटर को 2 बार प्रेस किया, ये लाइन जो है ये देखिए यहाँ से आगे भी ले जाते हैं थोड़ा, और एंटर दबाकर कमांड से बाहर निकला है। इसके बाद इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे, O टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑफसेट करने के लिए वैल्यू जो देनी है हमें वो देनी है 10, 10 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। अब इस लाइन पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक ऊपर, फिर इस लाइन पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक नीचे करेंगे, और एंटर दबाकर कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब ट्रिमिंग शुरू करते हैं, देखिए TR टाइप करके एंटर को 2 बार प्रेस किया मैंने। अब मुझे जो प्रोफाइल चाहिए उसमें मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ, ये देखिए ये बीच वाला, जो बीच वाली लाइन है इसे भी सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे हम। अब इसके बीच में हमें एक और प्रोफाइल बनानी है, मैंने फिर से ऑफसेट यूज़ करूँगा। मैंने O टाइप करके एंटर प्रेस किया, वैल्यू ली 5, एंटर प्रेस किया। अब देखिए करना क्या है, ये जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड की तरफ कहीं पर भी आके क्लिक कर देंगे, इस प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं पर भी आकर क्लिक कर देंगे, इस लाइन पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक नीचे, और इस लाइन पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक ऊपर, और एंटर दबाकर कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब देखिए हमें ट्रिमिंग करनी है, TR टाइप करके एंटर 2 बार प्रेस करेंगे और ट्रिमिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए ट्रिमिंग करते वक्त हमें कुछ ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या रखना है और क्या छोड़ना, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए ये प्रोफाइल हमें चाहिए, अब यहाँ से बचे हुए ऑब्जेक्ट को हम इरेज कर देंगे। देखिए ट्रिम से बाहर निकलने के बाद ये जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम इरेज कर देंगे, ई टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे सिलेक्शन के बाद। ये प्रोफाइल हमारी बन गई।
अब दोस्तों क्या करना है हमें, देखिए कॉपी सी ओ टाइप करके एंटर प्रेस किया, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ क्लिक किया, देखिए नीचे थोड़ा सा एक कॉपी यहाँ और एक कॉपी इसके पीछे, ये तीन कॉपीज हमने बना ली, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। अब देखिए क्या क्या होगा इसमें, पहली कॉपी से ये इन्हें सेलेक्ट करके इरेज कर दिया, देखिए ये इरेज हो गया। दूसरी कॉपी में हम क्या करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, टी आर टाइप करके एंटर दो बार प्रेस करेंगे, अब ये बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है ये देख रहे हैं आप, इन्हें हटाएंगे, ये बीच की जो प्रोफाइल है इसे भी पड़ा रहने देंगे इसी में। अब हम ये तीसरी प्रोफाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम इरेज ही कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, रीजन REG टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। इसके बाद REG टाइप करके एंटर प्रेस किया, एक दो तीन चार और एंटर प्रेस किया। इसके बाद देखिए फिर से जाएंगे रियलिस्टिक से वायर फ्रेम में, अब देखिए यहाँ पर ये लाइनें हमें सेलेक्ट आसानी से करने को मिल जाएंगी, REG एंटर। ये भी रीजन में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये होम पर क्लिक करते हैं। होम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे, मैंने टाइप किया EXT और एंटर प्रेस किया, एक क्लिक इस पर, एक क्लिक इस पर, एंटर दबाया और इसे कर्सर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और टाइप करेंगे 10 और एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह से फिर से EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया बाहर वाले को और एंटर दबाया, इस बार नीचे की तरफ ले जाएंगे हम कर्सर को और वैल्यू दे देंगे यहाँ पर कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 6 mm। तो ये देखिए ऐसे हो गया। इसके बाद हम ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे भी एक्सट्रूड करेंगे, EXT एंटर, बीच वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, इस बार फिर कर्सर हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, वैल्यू दे देंगे 2 mm। ये देखिए अब इसके बाद अगला काम क्या करना है हमें, कि यहाँ से हम ले लेंगे टॉप की जगह ले लिया हमने फ्रंट, कुछ ऐसा नज़र आएगा अब हमें। अब यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट पर मैंने क्लिक किया तो देखिए ऐसे नज़र आ रहा है, हम टाइप करेंगे यहाँ से 3DMO यानी कि 3D Move, ये कमांड पर यूज़ करेंगे हम इसे। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ क्लिक किया और नीचे की तरफ हम लेकर आएंगे इसे कितना, 4 mm, सॉरी ये मूव हो गया था, हमें कॉपी करके लेकर आना था इसे, कंट्रोल जेड किया मैंने, एक स्टेप पीछे गए, मैंने यूज करनी है कमांड CO एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर दिया, नीचे की तरफ लेकर आए कर्सर को और टाइप किया 4 और एंटर प्रेस कर दिया और दोबारा एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकल आए। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो कॉपी हो गए। हम यहाँ होम पर दोबारा क्लिक करेंगे, इस तरह से देखिए ये आपको ऑब्जेक्ट इस पे दिखाई देंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे, देखिए SUBT टाइप करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट हमारे सामने आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट पर क्लिक किया, पहला क्लिक इस बड़े ऑब्जेक्ट पर एंटर, दूसरा क्लिक ये ऊपर वाले छोटे ऑब्जेक्ट पर और एंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह से दोबारा जाएंगे, दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUBT एंटर, ये बड़ा ऑब्जेक्ट एंटर और उसके बाद छोटा ऑब्जेक्ट और फिर से एंटर। तो अब अगर आप इसे जाकर रियलिस्टिक में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से मैं पहले अननेम्ड WCS कैसे करूँ, तो ये हमें ऐसे नज़र आएगा, देखिए ये
एक स्ट्रिप बनी हुई है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ऊपर हम जाएंगे कितना, ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ से, यहाँ से इसको फ्रंट पर ही ले जाकर हम मूव कराते हैं। यहाँ से मैंने पहले तो फ्रंट प्लेन ले लिया, फ्रंट प्लेन लेने के बाद देखिए इसका डिस्टेंस ये कितना है, ये 10 mm है और ये 6 mm है। यहाँ से अगर हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं यूँ, आठ टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने, देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच में आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सेट करना है इसकी सही जगह पर। यहाँ से फिर से मैंने होम पर क्लिक किया, अननेम्ड पर क्लिक किया, WCS। अब देखिए एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसके बाद ये देखिए ये रहा सेंटर, और ये रहा सेंटर। ये देखिए ये बैठ तो गया है लेकिन अभी सही जगह पर नहीं बैठा है, हमें इसको फिर से नीचे लेकर आना पड़ेगा। यहाँ से इसे नीचे ले जाएंगे कितना हम, 8 mm, तब ये जाकर बिल्कुल अपनी सही जगह पर बैठेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह बैठ गया। एक बार टॉप से इसे हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई गैप ना हो। यहाँ से पैरेलल, यहाँ से 2D वायर फ्रेम, यहाँ पर कहीं गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यूनियन करते हैं। पहले यहाँ से रियलिस्टिक चले जाते हैं, देखिए अभी ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को यूनाइट कर देंगे, टाइप कर देंगे UNI, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तीनों थे अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब हम करेंगे क्या क्या आगे, इसके हमें फिलेट करना है, तो फिलेट करने के लिए यहाँ से सॉलिड पर जाते हैं, फिलेट एजेस पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर, इसके बाद आर टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और 15 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये जो एजेस नज़र आ रही हैं, एक एज ये है देखिए ये फिलेट हो जाएगी, इसके बाद एक एज ये नज़र आ रही है ये फिलेट हो जाएगी। अब इस साइड जाते हैं, घुमाया, ये देखिए जितनी एजेस हैं ये एक एक करके हम फिलेट कर रहे हैं, और इसके बाद ये हमने एंटर प्रेस किया 2 बार, ये देखिए ये कॉर्नर्स जो थे यहाँ पर ये फिलेट हो गए। इसके बाद दोबारा फिलेट एजेस पर जाते हैं, इस बार फिर आर एंटर करते हैं और वैल्यू दे देंगे हम कितनी, 2.5 एंटर। और ये जो कॉर्नर्स हैं ये देखिए ये जो कॉर्नर है इन्हें हमें राउंड करना है। ये चारों कॉर्नर भी राउंड हो गए, तो अब एंटर को 2 बार प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फिलेट एजेस पर दोबारा जाएंगे, इस बार हम वैल्यू ले लेते हैं कितनी, आर टाइप करके एंटर प्रेस किया, वैल्यू ले ली 0.8 और एंटर प्रेस किया। अब देखिए हम यहाँ पर अलग अलग एजेस जो हमें नज़र आ रही हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम ये चेन वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ये चेन का ऑप्शन लेने से ये थोड़ा और आसानी से हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह से नीचे वाले फेस पर भी हम करेंगे,
देखिए नीचे वाला फेस में यहाँ पर भी अभी बाकी है, और एंटर को दो बार प्रेस करेंगे। ये देखिए दोबारा होम पर जाते हैं, इस तरह से देखिए कॉर्नर्स जितने भी हैं, होम, रियलिस्टिक, 2D वायर फ्रेम, देखिए जितने भी कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे थे ये सब फिलेटेड हो गए। एक दो कॉर्नर्स इसमें जो बचे हैं उन्हें भी हम फिलेट कर लेते हैं। देखिए ये कॉर्नर अभी बचा हुआ है, इस तरफ के कॉर्नर अभी पूरी तरीके से बचे हुए हैं। तो ये हम पहले तो यहाँ से ग्रिड को हम ऑफ कर देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से सॉलिड फिलेट एजेस आर एंटर 2.5 एंटर। ये देखिए ये जो कॉर्नर यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं इनको हम एक एक करके फिलेट कर देंगे। सॉरी एस्केप, फिलेट एजेस आर एंटर 0.8 एंटर। इसके बाद ये देखिए ओवरऑल एंटर को दो बार प्रेस करेंगे, और यहाँ से आगे होम, ये भी होम, 2D वायर फ्रेम और रियलिस्टिक। तो दोस्तों ये था रिंच रिंच इन ऑटोकैड 2021 3D में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।